तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग से, और इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे सी इवेंट से। जैसे कि आप जानते हैं कि हम माइक्रो जो रिकॉर्ड करते हैं या माइक्रो जो कोड करते हैं उसको रन करने के लिए हमें डेवलपर टाइप में जाके माइक्रोज में जाके लिस्ट सिलेक्ट करके रिकॉर्ड रन करना होता है या फिर एक शॉर्टकट दबाना होता है। बट मैं चाहता हूं कि मेरा जो माइक्रोज है वो माइक्रो रन हो मेरे किसी पर्टिकुलर इवेंट से। जी हाँ, एक पर्टिकुलर इवेंट से हमारा रन हो। तो चलिए इसी चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम इसमें करते हैं। तो कोर्स क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या किसी को किसी तरह का डाउट है? चलिए, तो सबसे पहले हम डबल क्लिक पे करते हैं। नहीं, डबल क्लिक से पहले हम बात करते हैं क्लिक पे। जैसे कि अभी आपने देखा कि मैं कहीं भी क्लिक कर रहा हूं तो मेरा क्लिक है, जैसे मैं ओम पे क्लिक किया तो मेरा चार्ट ओम का हो गया। ठीक है सर, कि हमने ओम पे क्लिक किया तो मेरा चार्ट जो है ओम का हो गया। उसी तरीके से मैं जहां भी क्लिक करूं मेरा चार्ट उसी तरीके से हो जाए। चलिए इसी पे हम करते हैं आगे। तो चलिए इस तले डेटा को कॉपी करके किसी और शीट पे रखते हैं या यहां पे इसी पे करते हैं। सबसे पहले हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ। हालांकि तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल तरीका यूज कर रहा हूँ जो हमने डायनेमिक चार्ट में आपको पढ़ाया था। क्या हम यहाँ ऑफसेट फॉर्मर लगाएंगे और हम A1 को सिलेक्ट करते हैं और फिर इसको सिलेक्ट करते हैं कॉमा जीरो और F2 में जाके A1 को हम फ्रीज कर देते हैं और आगे की तरफ ड्रैग करते हैं इंसर्ट और चार्ट बनाते हैं। यहां पे हुआ कि 1 की जगह पे हम 2 करेंगे तो 2 का आएगा, 3 करेंगे तो 3 का आएगा। हम चाहते हैं कि जब यहां हम सिलेक्ट करें तो उसका दिखे, तो राइट क्लिक करते हैं मूव एंड कॉपी, मूव नहीं माफ कीजिएगा गलत, राइट क्लिक व्यू कोड और यहां पे हमने सिलेक्ट कर लिया वर्कशीट और सिलेक्शन चेन। तो यहां हम यहां पे क्या कर रहे हैं, ये हमारा है A14। हम देते हैं कि रेंज A14 डॉट वैल्यू इक्वल टू एक्टिव सेल डॉट रो -1। -1 के ऑफसेट में -1 लगता है, पता ही आपको। जैसे क्लिक करूंगा तो यहां पे रिपोर्ट आ रहा है, कहीं भी क्लिक कर रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबका रिपोर्ट दिख रहा है। लेकिन जैसे ही हम यहां नीचे क्लिक करते हैं 0 हो जा रहा है। अब यहां पे मुझे एक कंडीशन देना है कि हम क्लिक 2 से लेके 8 के बीच में ही करें और कॉलन 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 तक चले। तो इसके लिए यहां पे हमें इफ कंडीशन देना होगा। हम देंगे कि इफ एक्टिव सेल डॉट रो इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2
एन एक्टिव सेल डॉट रो इज लेस देन इक्वल टू एट एंड एक्टिव सेल डॉट कॉलन इज लेस देन इक्वल टू एट देन चले और फिर यहां पर हम एंड इज कर दें। अब जैसे कि अब इस पे कर्सर कर रहा हूं तो चल रहा है, लेकिन कहीं और क्लिक कर दूं तो नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को, इसमें आगे ये भी हो सकता है कि जिस पर हम क्लिक करें, अब जैसे हमने यहां पे इसको रख रखा है, अलग ना रख के हम डायरेक्ट चार्ट के अंदर ही डाल दें कि हम जहां पे क्लिक करें चार्ट उसी हिसाब से चेंज हो जाए, तो आगे जब चार्ट हम पढ़ाएंगे तो उसमें चीज हम आपको कवर करें। अब इसमें अगला एग्जांपल आता है कि डबल क्लिक का, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास टॉपिक दिया हुआ एक्सेल और हमने यहां पे दे दिया ड्यूटी, तो एक्सेल के पार्ट हमारे पास है वो है पिवट, पिवट और फॉर्मूला, और वीवीए का पार्ट है हमारा मैक्रोस और भी हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस पे जब डबल, जैसे कि नॉर्मली हम लोग करते हैं ना कि इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ डेटा मेनू बार में आपके सामने ग्रुप होता है, हमें ग्रुप कर दिया, तो ग्रुप बन जाता है, इस पे क्लिक करते हैं इस तरह से, लेकिन ये तो ग्रुप अनग्रुप है और यहाँ पे हो रहा है, तो इसी को थोड़ा सा और बेटर हमने क्या किया कि हम यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे डबल क्लिक, समझे। तो चलिए इसके लिए व्यू कोड करते हैं और यहां पे हम वर्कशीट और सिलेक्शन चेंज के जगह पे हम यहां पे बिफोर डबल क्लिक लेते हैं, क्या लेते हैं बिफोर डबल क्लिक, और यहां पे सबसे पहले तो कंडीशन देना होगा कि जहां हम डबल क्लिक कर रहे हैं वो B3 होना चाहिए, तो हमने लिखा इफ एक्टिव सेल डॉट एड्रेस एड्रेस इक्वल टू बी एंड रेंज 4 and 5 4 से 5 dot hidden equal to false, then hidden seed नहीं होगा, यहां पे हमें देना होगा entire row, ध्यान रखिएगा इसका। यहां ट्रू हो जाएगा और फिर एल्स इफ हम देंगे और एल्स इफ में जो कंडीशन है कंडीशन रहेगा बस अपोजिट हो जाएगा, यहां पे ट्रू हो जाएगा, ट्रू हुआ तो यहां पे फॉल्स हो जाएगा, माने हिडन है, अगर हिडन है तो अनहाइड कर दे और अनहाइड है तो हिडन कर दे। एक बार डबल क्लिक करके देखता हो गया, समझे। अब नीचे के लिए भी हम सेम इफ फॉर्मूला लगाएंगे और यहां पे B3 के जगह पे B7 हो जाएगा, 7 और 4 and 5 की जगह पे 8 और 9 हो जाएगा,
एट नाइन एट नाइन सेवन ठीक है। सुनाया सर किसी को डाउट सर इसमें रेंज आपने जो एट एंड नाइन फोर एंड फाइव का जो ये पैटर्न किया है सेलेक्ट कर लिया जैसे कि आप फॉर्मूला में पूरा रो सेलेक्ट करते हैं तो वन बाई वन हुआ ना यस यस फोर बाई फाइव हुआ यस यस क्या लिया मैंने ठीक है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं रेंज में अब चलिए अगले एग्जांपल में नौवे नंबर में मुझे क्या करना है कि मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा ए एंड टाइम आई थिंक ये बताया भी था आपको कि नहीं सर जैसे मैंने पूजा लिखा एंटर मारा तो ऑटोमेटिक डेट और टाइम आ जाना चाहिए ठीक है हाँ ये बताया था ना यस सर इसको करते हैं और इसमें और एक एडिशन है वो एडिशन करते हैं तो हम इसको व्यू पोर्ट में आते हैं सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे डिम आर एज अ रेंज एक ग्लोबल वेरिएबल फिर यहाँ वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्शन चेंज के हम लेते हैं और लिख करते हैं सेट टू एक्टिव सेल ओके फिर यहां हम चेंज पे आते हैं और जैसे कि हमने बताया था कि हमें आर डॉट ऑफसेट 0.1 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया डेट डेट का फॉर्मूला लगा दिया और दूसरे कॉलम पे टाइम देना है ना हमें तो टाइम का फॉर्मूला ना हो लेकिन डेट एंड टाइम दोनों आता है तो हम इसलिए फॉर्मेट लगा देते हैं फॉर्मेट नाउ और इसमें हमने फॉर्मेट दे दिया कि HH/MM/ ठीक है हो गया और इसमें एक काम और करना है हमें एप्लीकेशन डॉट डू इवेंट अनेक नहीं है अनेबल इवेंट था इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स करना है और फिर नीचे उसको वापस ट्रू कर देना राइट सर ये हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था अब यहां पे मैं पूजा लिख के एंट्री मारूंगा एक मिनट वो एक मिनट गलती किया हमने हमने सिलेक्शन नहीं किया हमने यहां पे क्लिक किया और फिर पूजा लिख के ओ हाँ यहां पे एरर आ गया ना ये चला ही नहीं तो ऐसी दिक्कत होगा एक बार इसको ट्रू करना पड़ेगा क्लियर है अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं क्या और दूसरी चीज है कि मैं यहां भी चेंज कर सकता हूं तो कहने का मतलब यह है कि पहली बात कि हम चेंजिंग जो है यहां पे वन टाइम ही करना है अब हमें यहां पे क्या करना है कि जो जो हम कर चुके हैं जो हम टाइप कर चुके हैं वो किसी भी कीमत में चेंज नहीं होनी चाहिए मतलब कि आप नया एंट्री कर सकते हैं
सारे एंट्री में किसी तरह का अपडेट आप नहीं कर सकते, बात समझे? तो उसके लिए क्या है कि राइट क्लिक करके आप पूरी सीट को लिया, राइट क्लिक किया इस फॉर्मेट सेल और हमने प्रोटेक्शन में इसको अनलॉक कर दिया और फिर जितना एरिया है उतना को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल उसको लॉक कर दिया, जैसे जनरली हम लोग करते हैं। तो उसके लिए हम कोड क्या बनाएंगे, तो यहां देखिए आपको बना रहे पहले तो मैं सारे को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक हो गया, पूरा सीट हमारा अनलॉक हो गया। सेल डॉट सेलेक्ट की जगह पे हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं, ए एक ही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम यहां पे देते हैं रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट लॉक इक्वल टू ट्रू। तो हमने जितना डेटा डला हुआ था उतने पे हमने लॉक लगा दिया, ठीक है? और ये लॉक यहां से नहीं लगेगा, ये लॉक लगेगा कहां, यहां टाइप खोलने के बाद, ठीक है? टाइप होने के बाद। लेकिन ये सब अप्लीकेबल तब होगा जब हम प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करेंगे। तो यहां सीड 9 डॉट अनप्रोटेक्ट इक्वल टू 1 2। और जब हम पूरा काम कर लेंगे तो हमें वापस पासवर्ड लगा देना है, सीड 9 डॉट प्रोटेक्ट। समझे कि नहीं? हमने सबसे पहले सीट को अनप्रोटेक्ट किया, पूरे सेल में से लॉक को हटा दिया, अपने डेटा को टाइप किया, फिर जितना डेटा हमारा ऑलरेडी टाइप है उतने डेटा पे वापस लॉक लगा दिया और फिर सीट को प्रोटेक्ट कर दिया। ओके? और रन करने से पहले एक बार सीट को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। चलिए अब जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं होम, एंटर प्रेस किया, इसमें इक्वल नहीं लगेगा, माफ कीजिएगा। इन द अब देखिए मान लीजिए नेहा को चेंज नहीं होगा, ठीक है? लेकिन नया एंट्री कर सकता हूं, जो एक बार टाइप हो गया वो आपका चेंज नहीं होगा और जो टाइप नहीं हुआ है उसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं सर? सुंदर जी, नीरज जी, अतीश जी, हेलो 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 हाँ बोलिए नीरज जी। सर इस वाले कोड पे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा कि चेंजेस जैसे करते हैं ना, तो ये मुझे कोड क्या कोड इसमें नहीं नहीं इसमें क्या दिक्कत आ रही, कहाँ पे कोड को पढ़िए ना। इसमें दो ऑप्शन, एक बार चेंज करना है और एक बार सेक्शन करना है, राइट? सबसे पहले नॉर्मली हम मैनुअल क्या करेंगे, मुझे इसमें अगर मान लीजिए कि कुछ टाइप की टाइप करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सीट को अनप्रोटेक्ट करूंगा,
फिर हमें क्या करना है कि पूरे सेल से लॉक को हटा देना ताकि हालांकि लॉक सेल से जो अनलॉक हटा है ना एक देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे अनप्रोटेक्ट होने के बाद यहाँ पे टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद पूरे एरिया को सेलेक्ट करेंगे और इसकी लॉक को लगा देंगे, ठीक है, और फिर बाद में इसको हम पासवर्ड से प्रोटेक्ट करें ताकि जिस पे हमने लॉक लगाया हुआ है उस पे हमारा वर्क करे। और सेल जाना जरूरी इसलिए है ताकि जो ब्लैंक्स पे हम टाइप कर सके ना, सेल जरूरी। तो हमने सबसे पहले अनलॉक किया, फिर पूरे सीट को लॉक को फॉल्स कर दिया, हमने अपनी डेटा को टाइप किया, जितना डेटा टाइप कर रखा है उसको वापस हमने लॉक कर दिया और सीट में पासवर्ड डाल दिया। नहीं सर, मेरा कहना मतलब ये था कि सर इसमें जो प्रोसेस पहले हमने अपने सेट करा के बाद आपने चेंज किया, ये जो बार बार इवेंट चेंज करना उसको बार बार करना होगा, समझे नहीं इसकी बात कर रहे हैं आप? इसकी बात कर रहे हैं सर, इसलिए ये देखिए एक तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। सर थोड़ा ये कंसेंसस बता दो, एक मिनट, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमने टाइपिंग की और एंटर प्रेस कर दिया, अब कर रहा कहाँ E6 पे है, अब कुछ लोग टाइप करेंगे और टैब प्रेस कर देंगे, अब कुछ लोग टाइप करेंगे और वो एरो की से ऊपर जा सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये हुआ कि किस सेल पे टाइप हुआ है कैसे पता चलेगा, टारगेट सेल क्या है कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमने ये चीज किया। या दूसरा तरीका ये है कि आप यहां आर को छोड़िए, आप यहां से इस टारगेट को भी ले सकते, समझे, टारगेट भी ले सकता है, अगर दिक्कत यह है इसको छोड़िए टारगेट भी ले सकते हैं। हम तो ग्लोबल वेरिएबल की एग्जांपल के लिए सा दे दिया है, टारगेट मतलब ये टारगेट हो गया, मतलब कि जहां पे टाइप हो रहा है दैट इज, समझे। हां ठीक है सर, मैं को ट्राई करूंगा इवेंट को मॉडल में बनाने के। क्लियर हो गया? हाँ सर, अभी तो डाउट करने के बाद पता चलेगा, इसको करने के बाद पता चला जैसा आपने बोला सही, ठीक है। अब चलिए एक प्रोजेक्ट हम आपको देते हैं जो आपको करना है, आपको इवेंट मैक्रो का ही काम करना है, जैसे कि आप इंसर्ट में मान लीजिए पिवट टेबल आपने लगाया, राइट, पिवट टेबल में आपने क्या किया कि यहाँ नेम बाइज जनवरी के हिसाब से मान लीजिए कोई रिपोर्ट अपने डेटा बना रखा है, ठीक है, समझे, और नेम को मैं फिल्टर में भी रखूंगा, एक ही है, तो एक काम करता हूँ, एक और ऐड कर देता हूँ मंथ, मंथ ऐड करता हूँ और पिवट में इसको अपडेट करना पड़ेगा, यहां हमने मंथ को रख दिया फिल्टर। अब आपको ऐसा करना है कि जैसे फिल्टर में मैंने अगर अप्रैल को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके किया ये पूरा इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट होके एक नया फाइल में सेव हो जाए और वो नया फाइल एक लोकेशन में सेव हो जाए, बात समझ में आया? लेकिन मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला? यस सर, कि जैसे कि मान होता क्या है कि मान लीजिए कि मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी होती है तो किसी ने बोला कि यार मुझे मई का दे दो, तो मैं जैसे ही मई को सिलेक्ट करूंगा और ओके करूंगा ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली एक फाइल में जाके सेव हो जाए, आगे चल के मैं आपको इसलिए बताऊंगा क्लिक करते ऑटोमेटिकली वो मेल चला जाएगा,
समझे, ये आपका होमवर्क है, ये बना के मुझे आप भेजिए। तो हम कल हम बात करेंगे वर्कबुक इवेंट्स के ऊपर, और इसके अलावा और इसमें कुछ और इवेंट्स है जो कि मैंने आपको नहीं बताया, इस इवेंट्स पे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है? कोई डाउट होगा तो कल डिस्कस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय, गुड नाइट।